नमस्ते, वेलकम टू न्यूटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्लास्टिक क्वेश्चन आंसर के ऊपर। जो आप मैकेनिकल की डिजाइनिंग फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करना चाहते हैं या क्वालिटी वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंसिडर किया जाता है और उसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ पर्सनल वर्क के वजह से मैं बिजी था, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी मैं रेगुलरली, जैसे पहले वीडियो बनाता था, रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे, आप लोग देख पाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को इजीली देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं जैसे ही ऐसे तरह कुछ टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग वो वीडियो इजीली देख सकते हैं। और टेक्निकल डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे मेरा इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है तीर्थ न्यूटेक। आप मेरा ये वीडियो पूरा शुरू से एंडिंग तक देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर क्या रहता है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में सारे नॉलेज मिल सकता है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं वो सारे पॉइंट के ऊपर। पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ जो प्लास्टिक है उसके बारे में जानना है। प्लास्टिक जो रहता है थर्मोसेट रहता है एंड थर्मोप्लास्ट रहता है। थर्मोप्लास्टिक क्या रहता है, हम उसको कितने बार भी मेल्ट कर सकते हैं, वो अलग अलग शेप क्रिएट होता है, रिपीटेडली उसको मेल्ट कर सकते हैं। थर्मोसेट की प्लास्टिक क्या रहता है, एक बार मेल्ट करके जो शेप हम बना लेते हैं वो शेप में वो फिक्स हो जाता है, उसके बाद दूसरा शेप वो नहीं ले सकता। देन अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। होम अप्लायंसेस कंपोनेंट हो, मेडिकल डिवाइसेस हो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट हो, जो कॉमनली यूज होता है वो प्लास्टिक। पहला जो है पॉलीकार्बोनेट, पीसी बोला जाता है उसको। उसके बाद पॉलीएथिलीन पी रहता है, पीई। देन पॉलीप्रोपिलीन है, पीपी। देन जो है पीवीसी जो रहता है मटेरियल, पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है। उसके बाद एबीएस मेटल बहुत यूज होता है ऑटोमोटिव में, वो है एक्रिलो नाइट्राइल बुटाडीन स्टाइरिन। अभी हम एक 15 पॉइंट डिस्कस करते हैं जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम यूज होता है, क्या क्या वो कंसिडरेशन हमें फॉलो करना रहता है उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। मुझे इसका टेक्निकल नॉलेज क्यों रहता है, मैं एक मैकेनिकल डिजाइनिंग सर्विसेज कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर हूँ। हमारे इधर ऑटोमेटिव कंपोनेंट डिजाइन होता है, होम अप्लायंसेस होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल डिवाइस कंपोनेंट के भी मैन्युफैक्चरिंग एंड टूल डिजाइन होता है, इसीलिए उसके बारे में मुझे नॉलेज है। ये सारे नॉलेज में ये वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो है ए सरफेस कंसिडरेशन। कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट आप देखेंगे और उसका जो क्लीन सरफेस रहता है उसको ए सरफेस बोला जाता है। ए सरफेस कंसिडरेशन में क्या क्या आता है, उसका जो पहला पॉइंट है विजुअल सरफेस, उसका एस्थेटिक इन लुक, ग्रेनिंग कंसिडर्ड ऑन ए सरफेस, वी कैन टेक इट फॉर ए क्लोज वॉल्यूम, इट इज रेफरेंस सरफेस फॉर सेक्शन। देन सेकेंड पॉइंट आता है सी सरफेस कंसिडरेशन। आप जो एक प्लास्टिक कंपोनेंट में देखेंगे जो क्लीन सरफेस है वो ए सरफेस रहता है, जो इंटरनल सरफेस है जहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस फीचर रिप वगैरह रहता है वो बी सरफेस रहता है, ए और बी की जो क्लोज रहता है वो बाउंड्री में जो सरफेस क्रिएट होता है वो सी सरफेस रहता है। सी सरफेस कंसिडरेशन क्या रहता है, कंसिडरिंग गैप एंड प्लस कंडीशन, क्लियर इन मेन टूल डिरेक्शन एंड स्लाइडर डिरेक्शन। ये दोनों डिरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कंसिडर करने के लिए ये सारे जो पॉइंट है हम डिजाइनिंग में भी मेंशन करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट जो है रिप कंसिडरेशन, जो कि मटेरियल को स्ट्रेंथनिंग देता है, उसके लिए क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है, स्ट्रेंथनिंग एंड वेल्डिंग पर्पज, कंसिडर सिंग मार्क इशू, इफ इट इज फॉर वेल्डिंग पर्पज इट इज इन क्लास, थिकनेस 0.8 to 1 mm, ये रिप की थिकनेस रखना चाहिए, रूट थिकनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%, हनीकम रिप्स फॉर बेटर स्टिफनेस। हनीकम रिप्स में क्या रहता है, वो थिकनेस ज्यादा रहता है उसका, बट उसके अंदर हमारा मटेरियल ज्यादा नहीं यूज होता है, जिसके वजह से वो सिंक मार्क वगैरह ज्यादा क्रिएट नहीं होता, मटेरियल डिफ्लेक्शन रहेगा, मटेरियल थिकनेस में वेरी रहेगा तो सिंक मार्क वगैरह आने की चांसेस रहता है। फोर्थ पॉइंट है पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन। पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन में क्या रहता है, क्लोजिंग ऑफ मोल्ड, कोर कैविटी मशीनिंग। कोर कैविटी की वजह से ही प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोर कैविटी डेवलप करने के टाइम पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मास्टर सेक्शन कंसिडरेशन। इट शोज थिकनेस ऑफ ए पार्ट, इट शोज
gap and plus between part up to part. We can consider in XYZ direction. It is reference for closed volume. It shows class and clearance. Sixth point is slider and lifter consideration. Internal undercut should be clear in lifter direction and peripheral undercuts of part is clear in slider direction. Seventh point is tool feasibility consideration. Big fillet, bade fillet hona chahiye, no undercuts, no parting line issue. Eighth point is consideration of designing. Uniform thickness, undercuts, plastic defects, B-side feature. डिजाइनिंग कंसिडरेशन के लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं मोर इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करके ही डिजाइनिंग किया जाता है. नाइन्थ पॉइंट है चेकिंग पॉइंट कंसिडरेशन. टूलिंग डायरेक्शन चेक, लिफ्टर चेक, स्लाइडर चेक, एनवायरमेंटल कंडीशन उसका भी चेक किया जाता है, क्लास एनालिसिस, कंपेरिजन, सिंक मार्क वो भी चेक किया जाता है, यूनिफॉर्म थिकनेस है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है. टेंथ पॉइंट जो है फिक्सेशन कंसिडरेशन. फिक्सेशन कंसिडरेशन क्या रहता है, डॉग हाउस रहता है, वेल्डिंग सिलेंडर रहता है, स्क्रू बस रहता है, क्लिप टावर रहता है, रिप्स रहता है, ये फिक्सेशन के लिए ये यूज होता है. देन 11th पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ पार्ट कंसिडरेशन. कंसिडर एप्लीकेशन ऑफ पार्ट लाइक वेर इट इज असेंबल, इट मूवेबल और स्टेडी, ऑन व्हिच पार्ट इज असेंबल, ये सब पॉइंट फोकस करना रहता है. जो पार्ट को डेवलप किया जाता है उसका फंक्शन क्या है उसी को कंसिडर करके डिजाइनिंग डेवलप किया जाता है. 12th पॉइंट आता है ड्राफ्ट एनालिसिस कंसिडरेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. जब हम पार्ट को टूल से इजेक्ट करते हैं प्रॉपरली ड्राफ्ट एंगल है तो इजेक्ट हो पाता है, नहीं तो वो टूल के साथ चिपक जाता है. इसके लिए क्या क्या पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑफ मटेरियल, पुट कंपैशन मेन टूल डायरेक्शन, चेंज मोड, सेट कलर ऑफ ड्राफ्ट एनालिसिस, ड्राफ्ट एनालिसिस के कलर शूट करना पड़ेगा, सेट वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट एनालिसिस, ड्राफ्ट एंगल कितना देना चाहिए उसके ऊपर एनालिसिस करके वो प्रॉपरली प्लास्टिक कंपोनेंट और कितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से हमें देना पड़ता है. 13 नंबर पॉइंट है कलर कंसिडरेशन फॉर ड्राफ्ट एनालिसिस. ग्रीन कलर फॉर क्लियर ड्राफ्ट, ब्लू फॉर नो ड्राफ्ट, रेड फॉर अंडरकट्स. प्लास्टिक डिजाइन में ये कलर आप यूज करते हैं मैक्सिमम. हम लोग जब कटिया एनएक्स वगैरह प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए डिजाइनिंग करते हैं ये सब हम कलर कोड यूज करते हैं. ऑटोमेटिव में जो भी हो इंटीरियर एक्सटीरियर कंपोनेंट हो, होम अप्लायंसेस में रेफ्रिजरेटर के कंपोनेंट हो कि कोई दूसरा प्रोडक्ट के कंपोनेंट हो, उसका जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो ड्राफ्ट एनालिसिस के लिए कि ड्राफ्ट देने के लिए कि अंडरकट देने के लिए ये सब कलर यूज किया जाता है. 14th नंबर है रूट थिकनेस कंसिडरेशन. ये कंसिडर जो है 40-50% ऑफ पार्ट थिकनेस के हिसाब से ही कंसिडर किया जाता है. 15th जो है मेन टूलिंग डायरेक्शन कंसिडरेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्लास्टिक डिजाइन हो कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. मोल्ड की ओपनिंग कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, असेंबली की डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, उसी के हिसाब से ही टूलिंग डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है. प्लास्टिक प्रोडक्ट रहता है जो उसके डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और टूलिंग डेवलपमेंट के लिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक पॉइंट कंसिडर किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ये हर वक्त क्वेश्चन आता है प्लास्टिक डिजाइन हो और मैन्युफैक्चरिंग पे आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये पूछा जाता है. 6 मोर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है डिजाइनिंग द प्लास्टिक पार्ट वो है वॉल थिकनेस, रिप्स, ड्राफ्ट, बसेस, रेडियस एंड गेट लोकेशन. ये जो 6 पॉइंट मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन हो कि टूलिंग डेवलपमेंट हो. प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. मैं ये जो वीडियो में आप लोगों को बताया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या कंसिडरेशन किया जाता है, क्या मटेरियल रहता है, कौन सा मटेरियल कॉमनली यूज होता है, ये चीज आप नॉलेज गेन किए कहीं पे आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं प्लास्टिक रिलेटेड तो ये क्वेश्चन आता है, आप इजीली आंसर दे सकते हैं. आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो आपके दोस्त लोगों के साथ कोई रिलेटिव है जो कि इंटरव्यू देना चाहता है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. प्लीज मेरे ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ. तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए. बाय, टेक केयर.